हाय दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हिंड्रेंस मतलब क्या होता है। हिंड्रेंस मीनिंग इन हिंदी, अगर आपको हिंड्रेंस बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऑब्स्टेकल भी बोल सकते हो, इंटरप्शन भी बोल सकते हो। यानी कि जैसे यू आर इंटरप्टिंग इन माई वर्क, आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है बाधा। ठीक है, थोड़ी और शुद्ध हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आता है अवरोध। ठीक है, पुराने टाइम में अवरोध शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी किया जाता है, बट अभी बहुत ही कम चांसेस में आपको देखने को मिलेगा कि कोई आपको बोलेगा मित्र आप हमारे काम में अवरोध हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि तू मेरे काम में रुकावट है, तू मेरे काम में बाधा है, तो यहाँ से चला जा या यहाँ से चली जा। ठीक है, तो बाधा या रुकावट, आजकल का नया जो ट्रेंड है वो रुकावट बोलते हैं। ठीक है, रुकावट, तो अगर आप रुकावट बोलते हैं वो भी चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब एंट्रेंस का यही होता है कि कोई रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, इंटरप्शन है, मतलब सेम है लेकिन इनका यूज़ करने का तरीका अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैराग्राफ्स के साथ होता है। ठीक है, आप हर एक वर्ड का देखोगे कई मतलब होते हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, या किसी और लैंग्वेज में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हैं और अलग अलग वर्ड्स हैं सबके। ठीक है, जैसे अवरोध एक हो गया, बाधा एक हो गया, रुकावट एक हो गया, इंग्लिश में इंटरप्शन हो गया, फिर एक दूसरा वर्ड है ऑब्स्टेकल, फिर एक और वर्ड है हिंड्रेंस। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, मीनिंग एक है लेकिन शब्द अनेक है। तो गाइज आपको पता चल गया हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में बोले तो इसका मतलब है रुकावट। अब आपको याद रहेगा, बाय एनी चांस अगर आप भूल भी जाओ हिंड्रेंस, तो ध्यान रखना कि एक शब्द और याद कर लेना। ठीक है, आसान वाला। तो जिन लोगों को टफ इंग्लिश याद करने में दिक्कत होती है वो लोग इजी वर्ड्स याद कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा आपके ध्यान में भी रहेंगे। और ध्यान रखना, जब भी आप इंग्लिश के वर्ड सीखते हो हमेशा मन में एक लाइन बनाकर ज़रूर रखना, जैसे राहुल मेरे काम में रुकावट है। ठीक है, आपने हिंदी की लाइन बना दी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो शब्द आ जाएगा चुटकी बजाते कि हाँ मैंने ये वीडियो देखी थी, उसमें हिंड्रेंस के अल्टरनेटिव वर्ड्स भी थे जैसे ऑब्स्टेकल, इंटरप्शन। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये ऐसे काम करता है। ठीक है, अब जब भी आप कोई नया वर्ड सीखोगे हमेशा उसको एक वीडियो के फॉर्म में लो, क्योंकि हम जब मूवीज़ देखते हैं तो हम भूलते नहीं हैं, ऐसे ही जब हम कोई वर्ड सीखते हैं तो अगर वो वीडियो के फॉर्म में होता है तो हम उसे कभी नहीं भूलते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको पता चल गया। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। बाय।